दोस्तों, मैंने बहुत दिनों के बाद आप सभी भाई लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा डार्क फोटो एडिटिंग लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों ये वाला एडिटिंग देख सकते हो, ठीक है। इस एडिटिंग को मैंने कैसे किया, साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लो शटर स्पीड मोड पे यहाँ पे करने की कोशिश की है। एंड दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखो, ठीक है, आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड होपफुली आपको भी ये एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या क्या स्टेप है जिस स्टेप की मदद से आप भी अपने फोटो को ऐसे एडिटिंग कर पाओगे और कैसे आपको अपने फोटो को क्लिक करना है, कैसे एडिटिंग करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ का जो भी मैं एडिटिंग करता हूँ या फिर मैं जो भी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ ना, इसके अलावा भी मैं कुछ फोटोज़ एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस एडिटिंग को करने के लिए ना आपको ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के एंड में आप डाउनलोड करना, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं ओपन करता हूँ पिक्सार ऐप के अंदर। दोस्तों बैकग्राउंड को पिक्सार ऐप के अंदर ले आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने मॉडल को ले आऊँगा, मतलब मेरे फोटो को यहाँ पे लेके ऐड करूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐड फोटो में। तो गाइस यहाँ पे आप मेरा फोटो देख सकते हो, मैंने इसका कार्डआउट पहले से यहाँ पे निकाल के रखा हो, ये वाला देख सकते हो। तो ये है मेरा ओरिजिनल फोटो, इस फोटो का मैंने कार्डआउट निकाला है, ठीक है। दोस्तों आप भी यहाँ पे अपना कोई भी फोटो यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इस पोज में फोटो को क्लिक कर रहा हूँ तो आपको भी सेम पोज यहाँ पे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको बहुत ही ईजिली मालूम चल जाएगा कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं, किस ऐप से इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका पोजीशन जो है इसको मैं अच्छे से एडजस्ट करता हूँ। ये वाला पोजीशन सबसे बेस्ट है, चलो हम इसको करेंगे ऊपर से डन, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों इस फोटो को हमें अच्छे से मैच करना होगा बैकग्राउंड के साथ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट टूल, ठीक है। तो टूल्स पर चलते हैं, एडजस्ट पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्ट्रास्ट को लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आएँगे हाईलाइट्स पर, हाइलाइट्स को भी यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, यही अच्छा लग रहा है। शैडोज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करेंगे क्योंकि ये नाइट फोटो है, ठीक है। तो नाइट फोटो में हमें इसको वार्म टोन में नहीं लेके आना है, इसको हमें थोड़ा सा ब्लू टोन में लेके आना है, ठीक है। देखो ये अच्छा लग रहा है। तो साथ में हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, चलो हम इसको ऊपर से डन करते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, विग्निट इफेक्ट। तो इफेक्ट्स पे चलते हैं, उसके बाद इफेक्ट्स पैनल में आने के बाद आप एकदम लास्ट में चले आना, यहाँ पे आपको लोमो इफेक्ट मिलेगा, इसको चूज़ करके सेटिंग को ओपन करके अमाउंट को जीरो कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार इरेजर पर चलता हूँ और फेस पे से इरेज करके इसको मैं डन कर लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ पीएनजी ऐड करेंगे, जो लाइट का पीएनजी है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम चलेंगे ऐड फोटो में। तो गाइस यहाँ पे दो पीएनजी है, इन दो पीएनजी को मैं लेके ऐड करता हूँ, इन तीन पीएनजी को सॉरी। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, ये वाला जो पीएनजी है ना इसका ब्लेंड मोड को मैं करूँगा यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन करने के बाद कुछ ऐसे में इसको यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, ताकि नीचे से एक बोके इफेक्ट आ रहा है ये अच्छी तरीके से नज़र आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके अब दोस्तों हम ये वाला जो लाइट इफेक्ट है इसका भी ब्लेंड मोड को हम करेंगे सिमिलरली स्क्रीन, ठीक है। और इसको हम कुछ ऐसे रखेंगे, ठीक है। सो गाइस ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हमें यहाँ पे इरेज करना होगा। तो इरेजर पे हम चलते हैं, इरेजर का हार्डनेस को हम जीरो करेंगे और ऊपर से हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब ये लग रहा है ना कि लाइट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है और ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों लास्ट में ये जो यहाँ पे पीएनजी रह गया है इसको मैं मूव अप करके ऊपर की ओर लेके आता हूँ एंड सिमिलरली ब्लेंड मोड को हम करेंगे स्क्रीन एंड इस तरफ मैं इसको रखूँगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक लास्ट इफेक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप इस फोटो को इस बैकग्राउंड को देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेड लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड लाइट को हमें अपने फोटो के ऊपर भी लेके आना होगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। सिंपली आप सबसे पहले चले आओ इफेक्ट्स पे, फिर दोस्तों आप यहाँ पर नीचे चले आओ कलर प्लेट में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर चूज़ करो कलराइज इफेक्ट, फिर सेटिंग को ओपन करके आप यहाँ पर ह्यू में रेड कलर टोन यहाँ पर लेके आओ, ठीक है। ये वाला जो कलर टोन है ये भी सही रहेगा, ठीक है। अब अभी आप दोस्तों सिंपली क्या करना, इफेक्ट्स पे सॉरी इरेजर पे चले आओ, फिर आप इसको इन्वर्ट कर लो ऐसे,
आप दोस्तों ब्रास को लेके हार्डनेस जीरो करके, ओपासिटी थोड़ा सा डाउन करके, साइज को छोटा करके, आप फोटो को जूम करके आपने अपने साइड के हिसाब से इसको पेंट कर लो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे फोटो को देखो, तो गाइज अगर मैं आपको इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँ तो आपको ये पता चलेगा कितना ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ चुका है, ठीक है। ये देखो ये रहा बिफोर, ये देखो एक मिनट, ये देखो ये रहा बिफोर एंड गाइज ये देखो ये रहा आफ्टर। तो ये चेंजेस करना बहुत ही ज़रूरी था, इससे मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक टोन यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो एडिटिंग खत्म हो चुका है एंड बहुत ही मस्त लग रहा है ये फोटो देखने में, तो इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, सेव हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने सारे स्टॉक इमेजेस यूज़ किया है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। और दोस्तों आप भी जाओ अपने फोटो कैसे एडिटिंग करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे लाइक करके बता देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, तब तक।